मैं आपको बताऊं, मैं अभी, मेरा एक दोस्त है वो शादी के लिए ढूंढ रहा है. नाउ ही इज फाइनली लुकिंग फॉर समवन फॉर मैरिज. वो ढूंढ रहा है शादी के लिए, जीवन साथी पे उसने प्रोफाइल बनाया हुआ है. तो थोड़े दिन पहले की बात है, हम तीन चार दोस्त बैठ करके उसके साथ देख रहे थे नई भाभी. तो हमें रियलाइज हुआ कि कभी चार दोस्तों को बैठ के भाभी नहीं ढूंढनी चाहिए साथ. क्योंकि जिसको हम तीनों मिलकर रिजेक्ट कर रहे थे बाकी तीन दोस्त, उसको तो वो रिजेक्ट कर ही रहा था. पर जिन भाभी को हम तीनों ने मिलकर सिलेक्ट करा, उसको तो वो और स्ट्रिक्टली रिजेक्ट करता था. हमने बोला, मैंने कहा भाई ये भाभी आनी चाहिए, यही तो कितनी हॉट भाभी है. कह रहा भाई इसीलिए भाभी नहीं आएंगी, तुम तीनों को क्यों पसंद है इतनी. नहीं नहीं सर बता रहा भाई, होता है आपको. मैं बताऊँ, मैं और प्रोफाइल ऐसे ऐसे आते भाई. मेरे एक दोस्त को हम प्रोफाइल देख रहे थे ना, उसको कुछ भी आते सामने से प्रोफाइल, वो जीवन साथी से प्रोफाइल आते हैं. एक लड़की ने तो भाई एक्सेल शीट ही भेज दी थी पूरी फैमिली ट्री की, पता है, अपने प्रोफाइल के साथ एक्सेल लगा दी, रेफर एनेक्जर वन. उसने पूरा फैमिली का फ्लो चार्ट बनाया था, पता है, एक्सेल पे, फादर मदर थ्री डॉटर वन डॉटर हस्बैंड टू डॉटर हस्बैंड ये वो. मैंने कहा भाई डेटा समझ नहीं आ रहा है, इसको पहले रोज एंड कॉलम्स में डाल और एक्सेल पे ले पहले, तो फिर इसका मार एक पिवट. हमने उसका पिवट मारा भाई, पापा की दो बेटी निकली, मम्मी की एक निकली यार. एक उसने प्रोफाइल देखा था, उस प्रोफाइल वो बड़ा फनी था भाई, वो प्रोफाइल वो बड़ा सही प्रोफाइल था. उसमें ना सामने से लिखा होता, आई डोंट वॉन्ट माई पार्टनर्स टू बी स्ट्रॉन्गर देन मी, आई डोंट इवन वॉन्ट माई पार्टनर टू बी वीकर देन मी, आई वॉन्ट माई पार्टनर टू बी एज स्ट्रॉन्ग एज आई एम. मैंने कहा भाई इससे ना पंजा लड़ा एक बार, इससे पंजा लड़ा के चेक कर हम कितने कंपैटिबल हो तुम दोनों, या फिर इसे ना मॉल में बोले जा, हथौड़े वाली गेम नहीं होती भाट, वो देखे ना मॉल में हथौड़ी वाली गेम, हथौड़ा मारो नंबर आता है, तुम दोनों हथौड़ा मारना, जहां 71 ना 73 दोनों का 72 आना चाहिए. लिंक्डइन पे पता थोड़े पहले पोस्ट बहुत वायरल हुआ था, एक कोई तो स्टार्टअप की को फाउंडर थी लड़की, वो थी जीवन साथी पे पति ढूंढने के लिए. उसको एक बहुत अच्छा लड़का मिला भी, ये कोई बहुत लाइक नाइस टॉप MBA ग्रेजुएट फ्रॉम वन ऑफ द नाइस कॉलेजेस, उसको वो लड़का मिला. उसने उससे शादी तो नहीं करी, उसको कंपनी में हायर कर लिया. अभी आप सोच रहे हो भाई, इस बंदे की जिंदगी का पिवट मारी, ये घर से वरमाला पहनाने निकला था, ऑफिस का ID कार्ड पहन के वापस पहुंचा. इसने सोचा सिंदूर भरूंगा, उंगली से बस इन एंड आउट कर रहा है पंचिंग मशीन में, समझ रहे हो. इसने सोचा, इसको पता ही नहीं था बायोडेटा के अंदर रेज्यूमे छुपा पड़ा है. पर लड़की कितनी सही है ना यार, मतलब कहीं भी जाकर के बंदा हायर कर लिया. सोच रहे हो क्या अपॉर्चुनिटी पे एकदम हाथ मारा, एकदम बढ़िया. अगर ये पुराने जमाने में होती ना, ये अपना स्वयंवर न कराती, शार्क टैंक रखवा देती. एनीवन मैरिड थ्रू जीवन साथी ओवर हियर, एनीवन जीवन साथी और एनी ऑफ द अदर वेबसाइट्स, बताओ बताओ, शर्माने की बात नहीं है क्या? एक तो बताते क्यों नहीं है जीवन साथी वाले, तुमने कोई कुकर्म करे पाप करे क्या? बल्कि तुम ही हो सबसे एक्सपीरियंस्ड लोग, क्योंकि तुमने घाट घाट का पानी पी लिया है, तुम हर जगह से मुंह पिटा के ही. अब लिखाओ यार वेबसाइट पे, बनाओ, कोई तो आए भाई जिंदगी के अंदर. नहीं भाई मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मेरी दोस्त है ना, वो पहले खूब ये डेटिंग ऐप वगैरह से लोगों से मिलती थी, वो KPMG में है कुछ, तो वही HR Head वगैरह है, समथिंग लाइक ऑन द सेम प्रोफाइल ओनली. वो बहुत लोगों से मिलती थी, अब नहीं मिलती वो किसी, उसने सारी डेटिंग ऐप अनइंस्टॉल ही कर दी एकदम. मैंने कहा यस, अरे भाई इनका तो ऐसा लग रहा दिल का दर्द निकला बाहर, गौरव क्या बताऊं मैं आपको, ऐसे ऐसे आते हैं ना. नहीं मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्यों नहीं मिलती अब तो उससे, तो ये सब जीवन साथी वगैरह पे क्यों है? कह रही भाई क्या बताऊं यार, कह रही मेरा हो गया यार उन सबका यार. मैंने कहा पर क्यों, दोनों जगह से ढूंढना? कह रही नहीं यार, डेटिंग ऐप वाले डेट पे सीधा कॉन्डम लेके पहुंचते हैं और जीवन साथी वाले सैलरी स्लिप लेके पहुंचते हैं. मैंने कहा एक तरीके से देखा जाए तो दोनों लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन ही है. अब तेरे पे डिपेंड करता है कि तुझे कौन सा बड़ा इन हैंड चाहिए. इसकी शादी हुई जीवन साथी के थ्रू? आपकी शादी हो गई? एंगेज्ड? आप और कौन? अच्छा तुम सारी खुजा रहे हो क्या? ठीक है भाई खुद लगे उठा रहे हैं क्या? ठीक है भाई कोई बात नहीं. योर मैरिड थ्रू जीवन साथी, सही है यार. कैसे, कितने लोगों से मिला? क्या नाम सर आपका? महेश जी. क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर. एंड मैम? सेम सॉफ्टवेयर इंजीनियर. सेम तो नहीं होगी, कुछ तो अलग कंपनी में होगी ना. सेम कंपनी सेम टीम डिफरेंट टीम्स.
तो फिर तुम्हें जीवन साथी की जरूरत क्या पड़ गई? सामने आपने ऐसे देखा था, बैठी है भाई, देखा जीवन साथी सेम है क्या? प्रोफाइल मैच है? फिर जा जाके उससे बातें करता होगा पीछे से, और बताओ क्या चल रहा है जिंदगी में, और अपना प्रोफाइल चेंज कर, अच्छा आई लाइक दिस ऑल्सो, आई एम ऑल्सो सेव यू सेक्शुअल। ये आपने नोटिस करा, डेटिंग ऐप पे अगर आप जाओ, ये जीवन साथी या कोई भी मैट्रिमोनी साइट पे जाओ, सेम बातें लिखी होती है, सेम बातें लिखी होती है, बस लिखने का तरीका अलग होता है। इसमें लिखते हैं जीवन साथी में, लिखते हैं आई लाइक टू एक्सप्लोर एंड ट्रैवल टू न्यू प्लेसेस, और उसमें वंडरलस्ट। और असली में इनसे बात कर लो, 2 साल पहले मथुरा गई होती है, बस एक बार दिल्ली से मथुरा एक चक्कर, 3 घंटे का चक्कर है टोटल। नहीं कितने लोगों से मिले आप भाई? महेश भाई राइट, एंड मैम व्हाट्स योर नेम? दुर्गा एंड महेश, कितने लोगों से मिले आप लोग? जस्ट टू, फर्स्ट सिलेक्शन। बड़े ही कम क्राइटेरिया है आपके। तो आप लोगों का ये था कि 1 महीने के सब्सक्रिप्शन में कर देनी है शादी, 400 रुपए से 1 रुपया खर्चा नहीं ऊपर करूंगी, क्या सभी पति मिल जाए, लपेट लूंगी, कोई बात नहीं। आज इसको शायद महेश में 2 बातें अच्छी नहीं लगी, पर इसने बोला कोई नहीं, 28 तारीख होगी सब्सक्रिप्शन खत्म होने वाला, महेश आजा भाई आजा, तू कर ले कोई बात नहीं, प्लान ओवर। आई नो आई सेव 400 रुपीज पर मंथ इन माई मैरिज, यू नो वी सिट टुगेदर एंड यूज दैट मनी फॉर नेटफ्लिक्स नाउ। आप कितने से मिले? 20 से 30। कितने महेश रिजेक्ट हुए? क्यों रिजेक्ट करा आपने 20-30 को? वाइब नहीं बैठी, वाइब चाहिए, ये नया आ गया, वाइब चाहिए। पहले होता था करियर चाहिए, अच्छा इंसान होनी चाहिए, फैमिली होनी चाहिए, वाइब नहीं मैच हो रही ब्रो, चिल नहीं करता वो बंदा यार, चिल करना चाहिए ना साहब में ब्रो, फैमिली वैमिली अपनी जगह होती है। सही है। हाँ इधर कोई मिला था, इधर कौन था? हाँ भाई क्या नाम आपका? लवदीप। और मैम? हिमानी। लवदीप आप किस ऐप पे मिले थे? जीवन साथी। भाई आपको क्या अच्छा लगा हिमानी जी में? कॉमन प्रेफरेंस कंपैटिबिलिटी। अच्छा दोनों गुड़गांव, तो अभी आप लोग गुड़गांव रहते हो, मुंबई रहते हो? गुड़गांव रहते हो, तो आज इधर क्या चिल करने आए हो? पर मैं परसों फिर दिल्ली में कर रहा हूँ। वाह क्या कॉमन डिसीजंस है, क्या कंपैटिबिलिटी है, ये होती है कंपैटिबिलिटी। ये कंपैटिबिलिटी डेटिंग ऐप पे नहीं मिल सकती, ये जीवन साथी पे ही मिलेगी, दोनों कटवाएंगे। तुम मेरा साथ दोगी हिमानी जी? परमेश्वर मैं तो आपके साथ ही हूं। चलो 20,000 की फ्लाइट, 20,000 का होटल बुक करते हैं, और 500 की शो की टिकट। एक किसी लड़के लड़की की आईटीएन था, उसकी एक लड़की से शादी हुई जीवन साथी के थ्रू, और आपको पता है उस बंदे ने क्या करा? अपनी बंदी को सरप्राइज देने के लिए जस्नीन रॉयल का कॉन्सर्ट करा दिया। मेरी लव मैरिज हुई थी, रॉयल के नाम से रॉयल बैंक्वेट हॉल बुक हुआ था, वो इतना रॉयल बैंक्वेट हॉल था, मैं घोड़ी पे बैठे बैठे लोगों को लोकेशन भेज रहा हूँ। इतना रॉयल बैंक्वेट हॉल था, हमारी बारात वहां पे पहुंची, रॉयल का एल टूटा ही पड़ा था, रोया बैंक्वेट हॉल में शादी के, रोया बैंक्वेट हॉल। ये कोई तरीका है भाई? कुछ भी चल रहा है भाई। मेरा तो आपके एक वाले दोस्त होते हैं ना, वाले दोस्त हैं आप में से किसी के, जिनके पास वो सारे OTT यूज करते हैं, पर इनके पास सब्सक्रिप्शन एक का भी नहीं होता। एक टॉरेंट से निकाल लिया, टेलीग्राम से निकाल लिया, एक दोस्त से लिया, वैसे वाला भाई इतना चिंदी आदमी है, इतना चिंदी। इसने जो मेरा दूसरा दोस्त नहीं है जिसके लिए हम लड़की देख रहे थे, उसको कहता, कह रहा भाई अपना जीवन साथी का पासवर्ड दे दे। कह रहा भाई उसमें मेरा प्रोफाइल है, मेरे हिसाब से लड़कियां मिली है। तो कहता, कह रहा भाई मुझे ना तेरी गर्लफ्रेंड हमेशा अच्छी लगती रही है, मुझे लगता है उनसे ही मेरा अच्छा मैच हो ही जाएगा।
नहीं दी, ऑब्वियसली क्यों देगा वो बंदा। फिर इस बंदे ने फाइनली अपनी जीवन साथी प्रोफाइल बनाई है, और इसने पहली बार जिंदगी में, पहली बार डिजिटल इंडिया को इतने साल हो गए, पहली बार डिजिटल इंडिया ने इसे सब्सक्रिप्शन निकलवाया। इसने लिया भाई 400 रुपए का सब्सक्रिप्शन, और इसे अगले दिन पता चला कि जीवन साथी पे चैट करना फ्री है। ये पागल ही हो गया। इसने 3 दिन को हराम मचा दिया एकदम। इसने भाई 25 कॉल मिलाई अगले 2 दिन के अंदर, लड़कियों को नहीं जीवन साथी कस्टमर केयर को। हाँ वो कस्टमर केयर से लड़ाई कर रहा है वहां पे। मुझे भी मेरी शादी में जस्टिन रॉयल को कॉन्सर्ट चाहिए। वो कह रहे नहीं मिलेगा। कह दो अनुप जलोटा ही करा दो, एक अनुप जलोटा नहीं तो करा दो कम से कम। इसको सब चाहिए 400 रुपए के अंदर। मेरा एक दोस्त बता दो भाई, एक तो ये वाला नहीं है जो जिसने ये सब्सक्रिप्शन लिया नया, ये फाइनली एक लड़की से मिला और इज वेरी मच इनटू दिस इक्विटी एंड ऑल, ये सब चीज़ें करता है ना। कई लड़के नहीं होते जो भाई लड़की से मिला पहली डेट पे जाके उसे म्यूचुअल फंड समझा के आ गए। पहली डेट पे समझा रहे मार्केट अप मार्केट डाउन, 9:30 बजे उठो 3:30 बजे सो जाओ, पोर्टफोलियो दिखा रहा है, मेरा पोर्टफोलियो ग्रीन है देखो ग्रीन। सच बता रहा 10 मिनट अगर उससे और बात करता तो SIP चिपका के ही आता उसे। एंड ऑब्वियसली लड़की कॉल नहीं आई। 3 दिन बाद इसने उससे पूछा कि शुड वी मीट अगेन, कह रही नो, कह रहा बट कैन यू प्लीज गिव मी द रीजन, कह रही यू आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क।